الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي علي الصلاة hello love

की जो मार्फत हमें दाफरमाई है या अपनी कुतुब और शदात में इस मार्फत को समझने और इस पर अमल करने के लिए जिस अंदाज में पेश फरमाया है इस हवाले से मैंने गुजत जमु में दो खुदबा दिए हैं क़ुर क्रीम जो मार्फत का ख़ज़ाना हमें देता है हकीकत में यही है जो बंदे को खुदा ताली से मिलाता है इसके बग़ैर कोई और ज़रिया नहीं है खुदा ताल को पाने का उसका क़ुरब हासिल करने का हजरत इस्लाम अपने एक शेर में फरमाते हैं कुरान खुदा नुमा है खुदा का कलाम है बे इसके मार्फत का चमन ना तमाम बस ये वो नुकता है जिसे हमें हमेशा अपने सामने रखना चाहिए अगर हम ख़ुदा तै का कुर्ब और उसकी रज़ा चाहते हैं अगर हम अपनी दुनिया वाकबत को संवारना चाहते हैं तो ये चीज़ें याद रखनी चाहिए लेकिन ये भी याद रखना ये बात याद रखनी चाहिए क्राने करीम ही वजरिया है लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि इस मार्फ़त को समझने के लिए भी किसी अल्लाह ताला की तरफ़ से भेजे हुए और मकर करदा रहनुमा की ज़रूरत है जो इस ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलम सादिक मुसीम हैं आपने आपनेीम के मुख्त पहलुओं पर जिस तरह गहराई में जाकर रोशनी डाली है और उसके हुसन से आगाह फरमाया है जैसा कि मैंने कहा कि वह गुजशत दो खुदबात में मैंने बयान किया था आप के बयान करदा इल्म महाफरत के इस खजा और कुर करीम की तलीम को समझने का ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अभी काफ़ी मवाद इस बारे में जान करने वाला है आज भी इस सिलसिले को जारी रखते हुए मैं कुर करीम की खसूसियात और मुकाम और अहमियत का ज़िक्र हजरत मसीमत के और तहरा की रोशनी में करूँगा जिस गहराई से आपने हमें कुर करीम के मुकाम और अहमियत से आगाही दी है वही है जो हमें खुदा ताला का क़ुरब हासिल करने और तलीम पर अमल करने का फहम फहमो इधराक देती है बस बड़े गौर से हमें इन बातों को सुनने और समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने वाले हूँ इस बात की वजात फरमाते हुए कि क़ुरान खुदा का कलाम है लाल ला भीम सिंह के ना, भीम सिंह के नाम या ख़ में हज़ मसीमलाम तारीफ फ़रमाते हैं कि अभी थोड़े दिन की बात है कि लेख राम नामी एक ब्राह्मण जो आर्या था कादियान ने मेरे पास आया और कहा कि वेद खुदा का कलाम है कुरान शरीफ खुदा का कलाम नहीं है मैंने उसको कहा कि चूंकि तुम्हारा दावा है कि वेद खुदा खुदा का कलाम है मगर मैं उसको उसकी मौजूदा हैसीत के लिहाज से खुदा का कलाम नहीं जानता क्योंकि उसमें शिरक की तालीम है जिसमें शुर की तालीम हो खुदा का कलाम किसना हो सकता है और इसके अलावा कई और नापाक तालीमें हैं मगर मैं क़ुराना शरीफ को खुदा का कलाम जानता हूँ क्योंकि इसमें शिरक की क्योंकि ना इसमें की तालीम है और ना कोई और नापाक तलीम है और उसकी पैरवी से ज़िंदा खुदा का चेहरा नज़र आ जाता है और मुआजात ज़ाहिर होते हैं बस खुदा तला के कलाम होने की शर्त यह है कि शिरक़ से पाक हो और उसके उस पर अमल करने से खुदा तला का चेहरा नज़र आए क़ुरान करीम ने किस तरह खुदा तला का चेहरा दिखाने में अपना किरदार अदा किया इस बात को सहबा की ज़िंदगी में देखा जा सकता है। चनाचे कुरानी तालीम का सहाबाक कराम पर असर का ज़िक्र फरमाते हुए हजरत मुसीम फरमाते हैं कि आ हज़रत सल्हलम का ज़माना जो सदर इस्लाम का वक्त था उस ज़माने पर एक वसी नज़र डालकर सबित होता है कि आ हज़रत सल्लाम की तलीम ने क्यों कर ईमान लाने वालों को मस्कूर बाला अदना दर्जे से अली दर्जे तक पहुँचा दिया क्योंकि ईमान लाने वाले अपनी इब्तदाई हालत में अक्सर ऐसे थे कि जिस हालत को वो साथ लेकर आए थे वो हालत जंगली वहशियों से बदतर थी और दरिंदों की तरह उनकी ज़िंदगी थी और इस कदर बदमाल और बदला बदखलाक में वो मुब्तला थे कि इंसानियत से बाहर हो चुके थे और ऐसे बेशूर हो चुके थे कि नहीं समझते थे कि हम बदमाल हैं यानी नेकी और बदी की शिनाख्त की हिस्स भी जाती रही थी बस कुरान कुरानी तालीम और आ हज़रत सल्ला वम की सोबत ने जो पहला असर उन पर किया तो वो ये था कि उनको महसूस हो गया कि हम पाक़ीदगी की जामे से बिल्कुल बरहना बरहना और बदआमाली के गंद में गिरफ़्तार हैं जैसा कि अल्लाह ताला उनकी पहली हालत की नस्बत फरमाता है वलाए का कल अन बलह अदल यानी ये लोग चार पायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी बदतर फिर जब हज़रत वसल्लम की पाक सोबत और फुर्कान हमीद की दिल्कश तसीर ने उन तस्ीर से उनको महसूस हो गया कि जिस हालत में हम ने ज़िंदगी बसर की है वो एक वशियाना ज़िंदगी है और सरासर बदआमालियों से मुल है तो उन्होंने रूल क़ुद से कूवत पा कर नेक अमाल की तरफ हरकत की जैसा कि अल्लाह ताला उनके हक़ में फरमाता है व अयाह हूँ वे रूह रूह मिन वद हूँ वे रूह मिन यानी ख़ुदा ने एक पाख रूह के साथ उनकी तायद की वो वही वैबी ताकत थी जो ईमान लाने के बाद और किसी क़दर सब्र के बाद इंसान को मिलती है फिर वो लोग इस ताक़त के हासिल होने के बाद ना सिर्फ इस दर्जे पर रहे कि अपने ऐबों और गुनाहों को महसूस करते हों और उनकी बदबू से बेजार हों बल्कि अब वो नेकी की तरफ इस क़दर कदम उठाने लगे कि सलाहियत के कमाल को निसफ तक तय कर लिया और कमजोरियों के मुकाबले पर नेक कमाल की बजावरी में ताकत पैदा हो गई न सिर्फ कमज़ोरियाँ दूर कि बल्कि नेकियों में कदम बढ़ते जाए और इस तरह पर दरमिया हालत उनको हासिल हो गई और फिर वो लोग रूहल कदस की ताकत से बहरावर होकर उन मुजाहिदात में लगे कि अपने पाक अमाल के साथ शैतान पर गालिब आ जाएं, तब उन्होंने खुदा की राजी करने के लिए उन मुजाहिदात को अख्तियार किया जिनसे बढ़कर इंसान के लिए मुतवुर नहीं उन्होंने खुदा की राह में अपनी जानों का खसोखशाक की तरफ भी कदर न किया आखिर वो कबूल किए गए और ख़ुदा ने उनके दिलों को गुनाह से बकूली बेजार कर दिया और नेकी की मोहब्बत डाल दी बस ये है क़ुर करीम का उन पर असर कि वो ज़मीन से उठे और आसमान की चौकदार सितारे बन गए जिनके बारे में आ हज़रत सल् ने फरमाया है कि इनमें से हर एक तुम्हारे लिए रहनुमा है क़ुर करीम फिर की पैरवी से इंसान खुदा ताली की सिफात का मज़र हो जाता है ये ब्याप फरमाते हुए आप फरमाते हैं जो शख़्स कुरान शरीफ़ का पैरा होकर मोहब्बत और सिद को इंतहा तक पहुँचा देता है मोहब्बत और सिद को इंतहा तक पहुँचा देता है वो जिली तौर पर खुदा ताली की सिफात का मज़र हो जाता है सिर्फ पैरा होना नहीं शर्त बल्कि मोहब्बत और सिर सिर को इंतहा तक पहुँचाना शर्त है यानी उसके अहमाम पर मुकम्मल नमर हो तब वो अल्लाह ताला की शिकायत का मधुर होता है फिर फरमाया सब नतीजा उस ज़बरदस्त ताकत और ख़ासियत का होता है जो खुदा के कलाम कुरान शरीफ़ में हम मुशाह करते हैं वो ज़बरदस्त ताकत और खासियत किसी और किताब में नहीं जो किसी कौम के नज़दीकी लामी समझी जाती है शायद इसका ये सबब हो कि वो, कि वो किताबें बवजह दूर दराज ज़मानों के महर्रफों मुबदल हो चुकी हैं या शायद ये सबब हो कि अगरचे लफ्स उनके मुबदल नहीं हुए मगर माने बिगाड़ दिए गए हैं या शायद ये सबब हो कि खुदा ने इस आखिरी ज़माने में तफरिका दूर करने के लिए और दुनिया के तमाम लोगों को सिर्फ़ एक किताब पर जमा करने के लिए उन तमाम पहली किताबों की बरकतें मसलूब कर ली हैं वरना इसका सबब क्या है कि जिस तरह कुरान शरीफ और आ हज़रत अलैहि वसम की सच्ची पैरवी से इंसान जमात अलियाल्ला में दाखिल हो सकता है सच्ची पैरवी से इंसान जमात अलियाल्ला में दाखिल हो सकता है उन किताबों में खासियत पाई नहीं जाती और यही वजह है कि उन किताबों के पैराव उन कमाल से मुनकर हैं जो इंसान को कुर्ब के मकान में हासिल हो सकते हैं बल्कि वो कराम और ख़र्क आदत आदात पर हंसी ठट्ठा करते हैं मोजाद को ना सिर्फ मानते नहीं बल बल्कि इन पर हँसी ठट्ठा भी करते हैं और यही आज वजह है।, है कि खुदा तला से दूर हो गए हैं मजहब से दूर हो गए हैं। फरमाया है, मगर हम उन पर कोई हंसी ठट्ठा नहीं करते किसी भी हम हंसी नहीं करते हाँ उनकी महरूमी को देख कर रोना ज़रूर आता है इनकी हमदर्दी उनकी हमदर्दी है हमारे दिल में कि अल्लाह ताला से दूर जाकर उसकी सिफात को भूलकर कर नए ज़माने की रोशनी का अपने गलत रवैयों को नाम देकर दोबारा जानवरों वाली हरकतें करने लग गए और यही कुछ हमें आजकल मादियत प्रस्तों में नज़र आता है बहरहाल अपनी बात के सिलसिले में आप फ़रमाते हैं आगे कि मैं इस जगह कुछ गुजशत किस्सों को बयान नहीं करता बल्कि मैं वही बातें करता हूँ जिनका मुझे जाती है मैंने क़ुरान शरीफ़ में एक ज़बरदस्त ताकत पाई है मैंने सल्लाम की पैरवी में एक अजीब खासियत देखी है जो किसी मजहब में वो खासियत और ताकत नहीं और वो ये कि सच्चा पैराव इसका मुकाम वलायत तक पहुँच जाता है खुदा उसको ना सिर्फ़ अपने कौल से मुशरफ करता है बल्कि अपने फ़ैल से उसको दिखलाता है कि मैं वही खुदा हूँ जिसने ज़मीन व आसमान पैदा किया तब उसका ईमान बुलंदी में दूर दूर के सदारों से भी आगे गुजर जाता है मैं इस समर में साहिब मुशाहिदा हूँ खुदा मुझसे हम कलाम होता है और एक लाख से भी ज़्यादा ज़्यादा मेरे हाथ पर उसने निशान दिखलाए हैं सो तो अगर मैं अगरच मैं दुनिया के तमाम नबियों को अदब करता हूँ और उनकी किताबों का भी अदब करता हूँ मगर जिंदा दीन सिर्फ़ इस्लाम को ही मानता हूँ क्योंकि इसके ज़रिए से मेरे पर खुदा ज़ाहिर हुआ जिस शख़्स को तो मेरे इस बयान में शक हो उसको चाहिए कि इन बातों की तहकीक़ के लिए फिर आपने फरमाया कि मेरे पास आके दो माह के लिए ठहरो मैं उसके तमाम अखराज के जो उसके लिए काफ़ी हो सकते हैं इस मुद्दे तक मुतफफ़िर रहूँगा और फरमाया कि मेरे नज़दीक मज़हब वही है जो ज़िंदा मज़हब है और ज़िंदा और ताज़ा कुदरतों के नज़ारे से खुदा दिखला वरना सिर्फ़ दावा सेहत मज़हब हेज और बिला दलील है जिन्होंने आपके इस दावे से फैज़ पाया पाना था उन्होंने फैज़ पाया और कामयाब हो गए आपके पास रहे और कबूल किया आज भी आपके इलम कलाम जो है और ख़जाइन जो है बसों को ख़ुदा नमा बना रहा है बस इससे जहाँ हम गैरों को आगाह करें ख़ुद भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए आपके कलाम से तभी हम अपने बेहद के मकसद को भी पूरा कर सकते हैं फिर कुरान करीम की खूबियाँ बयान फ़रमाते हुए आप फरमाते हैं कुरान करीम की चार एजाजी खूबियाँ जिनकी तफ़ी ये फरमाई कि क़ुरान शरीफ़ की एजाजी ख़ूबियों में से एक बलागत व फसाद भी है जो इंसानी बलागत व फसाद से बिल्कुल मुमताज़ और अलग है क्योंकि इंसानी बलागत व फसाद का मैदान नहायत तंग है और जब तक किसी कलाम में मवालगा या झूठ या गैर ज़रूरी बातें ना मिलाई जाएँ तब तक कोई इंसान बलागत और फसाद के अले दर्जे पर क़र नहीं हो सकता अल्लाह ताला का कलाम इससे बिल्कुल पाक है कोई मलोनी नहीं दूसरे कुरान शरीफ के एक मजदा नाकूबी ये है कि जिस कदर उसने किसे बयान किए हैं दर दर हकीकत व तमाम पेश हैं जिनकी तरफ जा बजा इशारा भी किया ये भी नज़र आता है कुरान शरीफ़ में तीसरे कुरान शरीफ़ में ये मौजाना खूबी है कि इसकी तालीम इंसानी फितरत को उसके कमाल तक पहुँचाने के लिए पूरा पूरा सामान अपने अंदर रखती है और मरतबा यकीन हासिल करने के लिए जिन दलाइल और निशानों की इंसान को ज़रूरत है सब इसमें मौजूद हैं चौथे एक बड़ी खूबी इसमें ये है कि वो कामिल पैरवी करने वाले को खुदा से ऐसा नज़दीक कर देता है कि वो इलाहिया का शर्फ़ पा लेता है। और खुले खुले निशान उससे ज़ाहिर होते हैं और तज़क़िया के नफ्स और ईमानी इस्तिकामत उसको हासिल होती है और क़ुरान शरीफ़ का ये नुकतः नहायत ही याददाश्त के लायक है कि मोमिन कामिल पर जो फ़ैज़ान आसमानी निशानों का होता है वो तो एक खुदा का फ़ेल है इसकी वजह से कोई अपनी खूबी करार नहीं दे सकता मोमिन कामिल की अपनी ज़ाती खूबी तकवा तहारत और कुत ईमान और इस्तकामत है जैसे अगर किसी दीवार पर आफ्ताब की रोशनी पड़े तो वो रोशनी इस दीवार की खूबियों में दाखिल नहीं क्योंकि वो उससे अलग भी हो सकती है बल्कि दीवार की खूबी यह है कि उसकी बुनियाद एक मजबूत पत्थर पर हो और ऐसी पुख्ता और रेख्त की इमारत हो कि गो कैसे ही गो कैसे ही सैलाब सैलाब आवें और तुंद हवाएँ चलें और तूफ़ान की तरह नहीं बरसें इस दीवार में जुम्बश ना आवे बस ईमान की भी ऐसी हालत होनी चाहिए क़ुर करीम को खुदा तला का मुक़दस कलाम समझ कर इस पर अमल की भी ऐसी हालत होनी चाहिए कि यही है हमें जो हमारे मानों को मज़बूत करता है हमें खुदा से मिलाता है कोई आंधी कोई तूफ़ान कोई मुखालफत इंसान को अपने ईमान से हिला ना सके ये है इंसान की खूबी और हमेशा इस पर खुदा तला के कलाम की रोशनी पड़ती रहे उसको समझने की कोशिश करता रहे फिर फरमाया कि किन करीम एक ऐसी किताब है कि जिसकी पैरवी के नतीजे में दुआएं कबूल होती हैं तफसल बयान फरमाते फरमाते हैं कि कुरान शरीफ की मौजाना तसीतारत से एक ये भी है कि इसकी कामिल पैरवी करने वाले दर्जा कबूल दर्जा कबूलियत का पाते हैं और उनकी दुआएं कबूल होकर खुदा ताला अपनी कलाम लजीज़ और पुरोब के ज़रिए से उनको इतलाह भी देता है। और ख़ास तौर पर दुश्मनों के मुकाबले पर उनकी मदद करता है और तायद के तौर पर अपने गैब गैब खास पर उनको मुखल फरमाता है इस बात को बयान फरमाते हुए कि कुरान करीम में सब हदायतें हैं फरमाते हैं कि अरब के मशरक़ों की तरह इस मुल्क के अहले किताब भी जुराम पेशा हो गए थे ईसाइयों ने तो कुफ़ारे के मसले पर ज़ोर देकर और इस पर भरोसा करके ये समझ लिया कि हम पर सब जराइम हलाल हैं और यहूदी कहते थे कि हम इरत जरा की वजह से सिर्फ चंद रोज़ दो दुखें पड़ेंगे इससे ज़्यादा नहीं जैसा कि इस बारे में अल्लाह ताला, ताला फरमाता है ज़ाल का हूँ बेन्ना कलूँ लंत मसन नारो अम मादुदात वकर्र हम फी दिन हिम माँ कानूँ यफ़तरूम ये दुलेरी और जरूरत इनसे इससे उनको पैदा हुई कि उनका ये कॉल है कि दोजो की आग जो भरकते हैं वो कर रहे हैं जरूरत क्यों पैदा हुई ये बात इस बात वजह से जैसा कि उन्होंने कहा बताया जो मैंने पढ़ी है कि दोजो की आग अगर हमें छुएगी भी तो सिर्फ चंद रोज़ तक रहेगी और जो इफ्तरा प्रबादियाँ वो करते हैं उन्हीं पर मरूर होकर उनके ये ख्याल हैं बस जबकि अहल किताब और मशरकिन मशरक अरब नहायत दर्जा बदचलन हो चुके थे और बदी करके समझते थे कि हमने नेकी का काम किया है और जराइम से पाल बाज नहीं आते थे और अपने आमों में खलल डालते थे तो खुदा तला ने अपने नबी के हाथ में अनानकूमत देकर उनके हाथ से गरीबों को बचाना चाहा और चूँकि अरब का मलब मतलिक था और वो लोग किसी बादशाह की हुकूमत के मातहत नहीं थे इसलिए हर एक फ़िरके ने हर एक फ़िरका नहायत बेक़ैदी और दिलरी से ज़िंदगी बसर करता था और चूँकि उनके लिए कोई सज़ा का कानून ना था इसलिए वो लोग रोज़ बरोज़ जराइम में बढ़ते जाते थे बस खुदा ने उस मुल्क पर रहम करके आजरत सल्ला वसम को उस मुल्क के लिए ना सिर्फ रसूल करके भेजा बल्कि उस मुल्क का बादशाह भी बना दिया और कुरान शरीफ़ को एक ऐसे कानून की तरह मुकम्मल किया जिसमें दीवानी फौजदारी माली सब हदायतें हैं सो आजरत सल्ला वैसीत एक बादशाह होने के तमाम फ़िरकों के हाकम थे और हर एक मजहब के लोग अपने मुकदमात आप से फैसला कराते थे कुरान शरीफ़ से साबित है कि एक दफ़ा एक मुसलमान और एक यहूदी का आ जनाब की अदालत में मुकदमा आया तो आ जनाब ने तहक़ीक़ात के बाद यगूदी को सचा किया और मुसलमान पर उसके दावे की डिग्री की बस बहुत नादान मुखालफ जो ग़ौर से कुरान शरीफ़ नहीं पढ़ते वह हर एक मुकाम को आ हज़रत सल वसम की रसालत के नीचे ले आते हैं हालाँकि ऐसी सज़ाएँ खिलाफत यानी बादशाह की हसीियत से दी जाती थी फिर कुरान करीम के जरिए पाकिदा ज़िंदगी के हसूल के मजमून को बयान फरमाते हुए फरमाते हैं ये ज़ाहिर तो है कि हर एक चीज़ की बड़ी ख़ूबी यही समझी जाएगी कि जिस गरज़ के पूरा करने के लिए वो वज़ा की गई है उस गरज़ को बवजह आसन पूरी कर सके। मसलन अगर किसी बैल को कलबा आने के लिए ख़रीदा गया है तो उस बैल की यही ख़ूबी देखी जाएगी वो कुलबा आने के काम को बवजा आसन अदा कर सके बैल हल चलाने के लिए देते हैं तो उसको हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और अच्छा चलाने वाले बैल को अच्छा समझा जाएगा इसी तरह ज़ाहिर है कि असली गरज़ आसमानी किताब की यही होनी चाहिए कि अपनी पैरवी करने वाले को अपनी तालीम और तसीर और क़वत असलाह और अपनी रूहानी खासियत से हर एक गुनाह और गंदी ज़िंदगी से छुड़ा कर एक पाक ज़िंदगी अदा अच्छा फरमावे और फिर पाक करने और करने के बाद खुदा की शनाख्त के लिए एक कामिल बसरत अता अच्छा करे और उस बेमिसल के साथ जो तमाम खुशियों का सरचमा है मोहब्बत और इश्क़ का ताल्लुक़ बख्शे क्योंकि दर हकीक़त यही मोहब्बत निजात की जड़ है और यही वो बहुशत है जिसमें दाखिल होने के बाद तमाम कोफ्त और तलखी और रंजा अज़ाब दूर हो जाता है और बिलाशुबा ज़िंदा और कामिल किताब किताब इल्हामी वही है जो तलब खुदा को इस मकसूद तक पहुँचावे और उसको सिफरी ज़िंदगी से नजात देकर इस महबूब हकी से मिलावे जिसका विसाल एन नजात और तमाम शकूक व शुभ से मुखलसी बख्शे बख्श कर ऐसी कामिल मार्फत उसको अता करे कि गोया वो अपने खुदा को देख ले और खुदा के साथ ऐसे मुस्कम तल्लुक उसको बख्श दे कि वो खुदा का वफादार बंदा बन जाए और खुदा उस पर ऐसा लुत्फ़ एहसान करे कि अपनी अनवाह अकसाम की नुसरत और मदद और हमायत से उसमें और उसके गैर में फ़र्क करके दिखलाए और अपनी मार्फत के दरवाज़े उस पर खोल दे और अगर कोई किताब अपने इस फर्ज को अदा ना करे जो तो इसका असली फ़र्ज है और दूसरे बेहूदा दावों से अपनी खूबी साबित करनी चाहे तो इसकी यही मिसाल है कि एक शख्स उसमें तबीब हाजक होने का दावा करे और जब कोई बीमार उसके सामने पेश किया जाए कि उसको अच्छा करके दिखलाओ तो वो ये जवाब दे कि मैं इसको अच्छा तो नहीं कर सकता लेकिन मैं कुश्ती करना ख़ूब जानता हूँ या ये कहे कि इल्म हैत और फलसफा में मुझे बहुत दखल है जाहिर है कि ऐसा आदमी मस्करा के लाएगा और अक्लमंदों के नज़दीक काबिल सर्जनश होगा खुदा की किताब और ख़ुदा के रसूल जो दुनिया में आते हैं बड़ी गरज उनकी यही होती है जो दुनिया को पाप और गुनाह की ज़िंदगी से छुड़ावें और ख़ुदा से पाक तलुक़ा कायम करें उनकी ये गरज तो नहीं होती कि दुनिया के उनको सिखावें और दुनिया की ईजादों से उनको आगा करें <coughs> गरज एक अक्लमंद और मुनिफ़ मिजाज आदमी के नज़दीक इस बात का समझना कुछ मुश्किल नहीं है कि खुदा की किताब का फ़र्ज यही है कि खुदा को मिलावे और खुदा की हस्ती के बारे में यकीन के दर्जे तक पहुँचावे और खुदा की अजमत और हैबत दिल में बिठाकर गुनाह के इरतक से रोक दे और ना हम ऐसी किताब को क्या करें जो ना दिल का गन दूर कर सकती है और ना ऐसी पाक और कामिल मार्फत बख्श सकती है जो गुनाह से नफरत करने का मुझे हो सके याद रहे कि गुनाह की रगबत का जजाम नहायत खतरनाक जजाम है और ये जजाम किसी तरह दूर ही नहीं हो सकता जब तक कि खुदा की जिंदा मार्फत की तजलियात और उसकी हैबत और अजमत और कुदरत के निशान बारिश की तरह वारिद ना हों और जब तक इंसान खुदा को उसकी मुहिब ताकतों के साथ ऐसा नज़दीक ना देखे जैसे वह बकरी के जब शेर को देखती है सिर्फ वो उससे दो कदम के फ़ासले पर है <coughs> <coughs> इंसान को ये ज़रूरत है कि वो गुनाह के मोलिक जज्बात से पाक हो और इस क़दर खुदा की अज़मत उसके दिल में बैठ जाए कि वो बे करने वाली नफसानी शावाद की ख्वाहिश को कि जो बिजली की तरह उस पर गिरती हैं और उसके तकवा के सरमाए को एक दम में जला देती है वो दूर हो जाए मगर क्या वो नापाक जज्बात कि जो मिर्गी की तरह बार बार पढ़ते हैं और परहेजगारी के होशो आवाज़ खो देते हैं वो सिर्फ़ अपने ही खुद राशिदा परमेश्वर के तबर से घर हो सकते हैं या सिर्फ़ अपने ही तजवीज़ करदा ख्याल से दब सकते हैं या किसी ऐसे कफारे से रुक सकते हैं जिसका दुख अपने नफ्स को छू भी नहीं हरगज़ नहीं ये बात मामूली नहीं बल्कि सब बातों से बढ़कर रकलमंद के नज़दीक और करने के लायक है यही बात है कि वह तबाही जो इस बेबाकी और बेतल्लु की वजह से पेश आने वाली है जिसकी असली जड़ गुनाह और मौसी है उससे क्यों कर महफूज रहे ये तो जाहिर है कि इंसान यकीनी लजात को महज़नी ख़्याल से छोड़ नहीं सकता <coughs> बात यकीनी लजात है। हैं लजतें जो मिलती हैं उसको ये कहना कि होगा तो इस सब इस बात से जरूर जन करके गई है हमें इन शाला मिलेगा बाद में मिलेगा कब मिलेगा किस तरह होगा उस पर छोड़ नहीं सकता हाँ फरमाया के लेकिन एक यकीन दूसरे यकीनी अमर से दस्तरदार करा सकता है मसला एक वन के मतलब एक यकीन है कि इस जगह एक जंगल है उसके मतलब यकीन है कि इस जगह से कई हिरन हम बसानी पकड़ सकते हैं और हम इस यकीन की तारीख पर कदम उठाने के लिए मुस्तैद हैं मगर जब ये दूसरा यकीन हो जाए कि वहाँ पचास शेर बबर मौजूद हैं और हज़ारा हाँ खूनखार असदा भी हैं जो मुंह खोले बैठे हैं तब हम इस इरादे से दस्तश हो जाएंगे इसी तरह बग़ैर इस दर्जा यकीन के गुनाह भी दूर नहीं हो सकता गुनाह दूर करने का ये तरीका है कि ये यकीन हो कि अगर हम ये गुनाह करेंगे ताती तो वक्ती लजात तो हैं हमें लेकिन इसको करने से इसी तरह है जिस तरह हमने एक जंगल में जहाँ शिकार को चले जाएं और वहाँ शेर बबर भी हो और अजदे भी हो और उनका खौफ जो है वो हमें वहाँ शिकार न करने दे तो इसी तरह गुनाहों से बचा जा सकता है कि अगर ये यकीन पैदा हो जाए कि खुदा ताला की पकड़ बड़ी सख्त है और अगर हम गुनाह करेंगे तो उसकी पकड़ में आ सकते हैं फरमाया कि लोहा लोहे से टूटता है खुदा की अजमत हबत का वो यकीन चाहिए जो गफलत के पर्दों को पाशपाश पाश कर दे और बदन पर एक लर्जा डाल दे और मौत को करीब करके दिखलावे और ऐसा खौफ दिल पर गालिब करे जिससे तमाम तारों को नफसे मारा के टूट जाएँ और इंसान एक गैबी हाथ से खुदा की तरफ खींचा जाए और उसका दिल इस यकीन से भर जाए कि वह दहक़ीकत खुदा मौजूद है जो बेबाक मुजरम को बेसुदा नहीं छोड़ता बस एक हकीकी पाकिदगी के तलब ऐसी किताब को क्या करे जिसके ज़रिए से ये ज़रूरत रफा ना हो सके इसलिए मैं हर एक पर यह बात ज़ाहिर करता हूँ कि वो किताब जो इन ज़रूरतों को पूरा करती है वो कुरान शरीफ़ है उसके ज़रिए से ख़ुदा की तरह, तरह तरफ तरफ़ इंसान को एक कशिश पैदा हो जाती है और दुनिया की महब्बत सर्द हो जाती है और वो खुदा जो नहायत दर नहाँ जो नहायत नहाँ दर नहाँ है उसकी पैरवी से आखिरकार अपने जाहिर करता है और वो कादर जिसकी कुदरतों को गैर कौमें नहीं जानती कुरान की पैरवी करने वाले इंसान को, खुद <coughs> को खुदा खुद दिखा देता है और ये याद रखना चाहिए फ़िक्र कुरान की पैरवी करने वाले इंसान को ख़ुदा खुद दिखा देता है और आलम वलकूत का उसको सैर कराता है और अपने अनल मौजूद होने की आवाज़ से आप अपनी हस्ती की उसको ख़बर देता है बस ये है वो जो कुरान शरीफ के बारे में होना चाहिए यह इस तालीम का अमली पहलू है जिसका हमसे इजहार होना चाहिए वरना दूसरे मजाब की तरह हमारा ईमान का दावा सिर्फ़ दावा होगा अब यहाँ फरमाया कि ये किताब असलाह करती है दूसरी किताब में नहीं करती उनमें क्योंकि तलीम उनकी कामिल नहीं है इसलिए नहीं करती और अगर हम कुरान करीम को मानते हैं और फिर असलाह नहीं होती तो इसमें हमारा कसूर है क्योंकि हमने जैसा कि आपने फरमाया कामिल पैरवी जरूरी है कामिल पैरवी अगर नहीं करेंगे तो किस तरह असलाह होगी उस पर अमल नहीं करेंगे तो किस तरह असलाह होगी बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हमल पैरवी करने वाले हों अल्लाह ताला इसकी तफीक दे फिर आप फरमाते हैं कि हमारा मुशाह और तजर्बा और उन सब का जो हमसे पहले गुजर चुके हैं इस बात का गवाह है कि क़ुरान शरीफ़ अपनी रूहानी ख़ासियत और अपनी जाती रोशनी से अपने सच्चे पैराव को अपनी तरफ़ खींचता है और उसके दिल को मनवर करता है और फिर फिर बड़े बड़े निशान दिखला खुदा से ऐसे तल्लु मुस्तकम बख्श देता है कि वो ऐसी तलवार से भी टूट नहीं सकते जो टुकड़े टुकड़े करना चाहती है वो दिल की आँख खोलता है और गुनाह के गंदे गंदे चश्मे को बंद करता है और खुदा के लजीज मुकालमा मुखातबत से शर्फ बख्शता है और गैब तफर फरमाता है और दुआ कबूल करने पर अपने कलाम से इतला देता है और हर एक जो उस शख्स से मुकाबला करे जो कुरान शरीफ का सच्चो सच्चा पैराव है खुदा अपने हेबत नाक निशानों के साथ इस पर ज़ाहिर कर देता है कि उस बंदे के साथ है जो उसके कलाम की पैरवी करता है तो सच्चा पैराव होना बुनियादी शर्त है फिर इस बात को बयान फरमाते हुए कि कुरान करीम शर्क से निजात का जरिए है फरमाते हैं जो कुछ कुरान शरीफ ने तोहीद का तुहम तो बलाद अरब फारस मिसर शाम हिंद चीन अफ़गानिस्तान कश्मीर वग़ैरह के बलाद में बो दिया है और अक्सर बलाद से बुतप्रस्ती और दीगर अकसाम की मखलूक प्रस्ती का तुखम जड़ से उखाड़ दिया है ये एक ऐसी कार्रवाई है कि इसकी नज़ीर किसी ज़माने में नहीं पाई जाती यानी कि ये जो इस्लाम जब शुरू में फैलाया और शर ख़त्म हुआ है इन मुल्कों में तो ये कुरान करीम की तालीम पर अमल करनी वजह से था और उसी और इसीलिए हमारे बाजदाद ने इस्लाम कबूल किया लेकिन अगर हम इस पर अमल नहीं कर रहे तो फिर हम वापस उसी जहालत में जा रहे हैं कुरान करीम की तालीम अली दर्जे की है तलीम है इसके बारे में आप फरमाते हैं जो किताब इब्ताय आफरीनश के वक्त आई होगी उसकी नस्बत अकल कतई तौर पर तजवीज़ करती है कि वो कामिल किताब नहीं होगी जो शुरू में आई किताब में वो अकल तस्लीम करती है वो कामिल नहीं हो सकती बल्कि वो सिर्फ़ उस उस्ताद की तरह होगी जो अब जद बच्चों को तलीम देता है अलब पे सकता सिखाता है बच्चों को साफ जाहिर है कि इब्तई तलीम में बहुत लियाकत की ज़रूरत नहीं होती प्राइमरी तलीम देनी है बच्चों को ए पी सी सखानी है अलबीम सिखानी है तो बहुत ज़्यादा लियाकत की ज़रूरत नहीं है हाँ जिस ज़माने में इंसानी तजर्बे ने तरक्की की और नए नोए इंसान कई किस्म की गलतियों में पड़ गई तब बार तालीम की हाजत पड़ी बिलखसूस जब गुमराही की तारीखी दुनिया में फैल गई इंसानी नफूस कई किस्म की, की इल्मी और अमली जलालत में मुबला हो गए तब एक अला और अकमल तालीम की हाजत पड़ी और वो कुर कुरान शरीफ है लेकिन इब्ताय ज़माना किताब के लिए अला दर्जे की तलीम की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अभी इंसानी नफूस ज़्यादा थे और हनूज उनमें कोई त और जलालत जागजी नहीं हुई थी हाँ इस किताब के लिए अली तम की ज़रूरत थी जो इंतहाई दर्जे की जलाल के वक्त ज़ाहिर हुई, और लोगों की असलाह के लिए आई जिनके दिलों में अकायद फास्तार हो चुके थे और हमारे कबिया एक आदत के हुक्म में हो गए थे कुरान शरीफ की तालीम उस वक्त आई जब इंसान का दिमाग मेच्यर हो गया था समझने लग गया था बुराइयाँ भी इंतहा को पहुँच गई थी और इंसान उनमें डूब रहा था उस वक्त उसके दिमाग के मुताबिक तलीम भी आ गई फिर सरमाया कि कुरान करीम की आलमगीर किताब होने के बारे में याद रखो फरमाया की ये बात फिल वाक़ सही और दुरुस्त है कि इब्तदाई आफरिनिश में भी एक इल्हामी किताब नौए इंसान को मिली थी फिर फरमाया कि इस जगह अगर कोई ये सवाल करे कि इतदाई जमाना में सिर्फ़ एक इल्हामी किताब इंसानों क्यों दी गई हर एक कौम के लिए जुदा जुदा किताबें क्यों ना दी गई इसका जवाब ये है कि इब्तदाय ज़माने में ज़माना में इंसान थोड़े थे और इस तदाद से भी कमतर थे जो इनको एक कौम कहा जाए इसलिए उनके लिए सिर्फ़ एक किताब काफ़ी थी फिर बाद में उसके जब दुनिया में इंसान फैल गए और हर एक हिस्सा ज़मीन के बाशिंदों का एक कौम बन गई और बबास दूर दराज मुसाफतों के एक कौम दूसरी कौम के हालात से बिल्कुल बेखबर हो गई ऐसे जमानों में खुदा ताला की हमत और मसलहत ने तकादा फरमाया कि हर एक कौम के लिए जुदा जुदा रसूल और इल्हामी किताबें दी जाएँ चुनाच ऐसा ही हुआ और फिर जब इंसान ने दुनिया की आबादी में तरक्की की और मुलाकात के लिए राह खुल गई और एक मुल्क के लोगों को दूसरे मुल्क के लोगों के लिए के साथ मुलाकात के लिए समान मयसर आ गए और इस बात का इलम हो गया कि फ़लां फ़लां हिस्सा ज़मीन पर नौए इंसान रहते हैं और ख़ुदा ताला का इरादा हुआ कि इन सब को फिर दोबारा एक कौम की तरह बना दे बना दिया जाए और बाद अफ्रीका के फिर इनको जमा किया जाए तब खुदा ने तमाम मुल्कों के लिए एक किताब भेजी और इस किताब में हुक्म फरमाया कि जिस जिस ज़माने में ये किताब मुख्त ममालक में पहुँचे उसका फ़र्ज़ होगा कि उनको कबूल कर लें और उस पर ईमान लाभें और वो किताब क़ुरान शरीफ़ है जो तमाम मुल्कों का बाह रिश्ता कायम करने के लिए आई है कुरान से पहली सब किताबें मुखसल कौम कहलाती थी थीं यानी सिर्फ एक कौम के लिए ही आती थीं चुनाच शामी फ़ारसी हिंदी चीनी मिसरी रोमी ये सब कौमें थीं जिनके लिए जो किताबें या रसूल आए वो सिर्फ़ अपनी कौम तक महदूद थे दूसरी कौम से उनको कुछ तल्लक़ और वास्तव था मगर सबके बाद कुरान शरीफ़ आया जो एक आलमगीर किताब है और किसी ख़ास कौम के लिए नहीं बल्कि तमाम कौमों के लिए है ऐसा ही कुरान शरीफ एक ऐसी उम्मत के लिए आया जो आहिस्ता आहिस्ता एक ही कौम बनना चाहती थी सो अब जमाने के लिए ऐसे जमान मयसर आ गए हैं जो मुख्तलिफ़ कौमों को वादत का रंग बख्शने बख्शे बख्शते जाते हैं बाहमी मुलाकात जो असल जड़ एक कौम बनने की है ऐसी सहल हो गई है कि बरसों की राह चंद दिनों में तय हो सकती है और पैगाम रसानी के लिए वो सभीें पैदा हो गई हैं जो एक बरस में भी किसी दूर दराज मुल्क की ख़बर नहीं आ सकती थी वो अब एक साथ में आ सकती है ज़माने में एक ऐसा इनकलाबीम पैदा हो रहा है और तमदनी दरिया की धार ने एक ऐसी तरफ रुख कर लिया है जिससे सर मालूम होता है कि अब खुदा ताला का यही इरादा है कि तमाम कौमों को जो दुनिया में फैली हुई हैं और एक एक कौम बना दे और हज़ारा बरसों के बिछड़े हुओं को फिर वाहम मिला दे और ये खबर कुरान शरीफ़ में मौजूद है और कुरान शरीफ़ ने ही खुले तौर पर यह दावा किया है कि वो दुनिया की तमाम कौमों के लिए आया है जैसा कि अल्लाह ताली कुरान शरीफ़ में फरमाता है या यो ना सो इन्नी रसूल इलाकुम जमिया यानी तमाम लोगों को कह दे कि मैं तम तुम सब के लिए रसूल होकर आया हूँ फिर फ़रमायाुमार सल्ला का रहमत आलमिनार सल्ला का रहमत लमीन यानी मैंने तमाम आलमों के लिए तुझे रहमत करके भेजा है और फिर फ़रमायाकूनआलमीना नज़ीरा यानि हमने इसलिए भेजा है कि तमाम दुनिया को डरावे लेकिन हम बड़े ज़ोर से कहते हैं कि कुरान शरीफ से पहले दुनिया की किसी इलामी किताब ने यह दावा नहीं किया बल्कि हर एक ने अपनी रसालत को अपनी कौम तक ही मजबूत रखा यहाँ तक कि जिस नबी को ईसाइयों ने खुदा करार दिया उसके मुँह से भी यही निकला कि मैं इसराइल की भेड़ों के सिवा और किसी की तरफ नहीं भेजा गया हल्तीसा ने ही कहा था बाइबल में और इस ज़माने के हालात ने भी गवाही दी कि क़ुरान शरीफ़ का ये दावा तबलीग आम का एन मौक़ पर है क्योंकि कुरने क्योंकि आ अलैहि हाँ वसल्लम के के वक्त तबलीग आम का दरवाज़ा खुल गया था फिर ये बयान बयान फरमाते हुए कि, कि कुरान करीम की चार वजूहत इसबाब हैं अरबा हैं आप फरमाते हैं हर शय की चार चारतें होती हैं यानी उसबाब य वजूहत होते हैं और वो इले अरबा ये होती हैं कि कौन सी अरबा हैं यानी फाइली यानी इसको करने वाला कौन है और इसकी वजूहत सूरी ज़ाहरी और अमली वजूहत इसी क्या हैं? हैंत मादी, इसका मादी फ़ायदा भी क्या है? हैलत गाई, इसकी असल वजह और जिस चीज़ों की बुनियादी और मजमू वजह क्या है इन सब की इस मुकाम पर कुरानि शरीफ़ की चार इल्लतों का जिक्र किया है फरमाया कि कित फ़ालली तो इस किताब की अलफलाम है और अलिफ ला मम के मानी मेरे नज़दीक अनल्लाम यानी मैं अल्लाह वो हूँ जो सबसे ज़्यादा इलम रखता है हूँ यानी नज़र जानता है कि इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है और औरत मादी ज़ालिकल किताब वो है यानी ये किताब खुदा तला के की तरफ़ से आई है जो सबसे ज़्यादा इलम रखता है इस पर अमल करके इससे बड़े फवाद हासिल किए जा सकते हैं और इल्लत सूरी लार बफी है यानी इस किताब की खूबी और कमाल ये है कि इसमें किसी किस्म का शक व शबा ही नहीं है ऐसी खूबू तालीम है कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं जो बात है मुस्कम और जो दावा है वो मुदल और रोशन है और इल्लत गई इस किताब की हदल्लमत है यानी इस किताब के नज़दीक के नजूल के वक्त की रज़ वायत यह है कि मतकीियों को हदायत करे और यही एक हकी की किताब का दीनी किताब का मकसद होना चाहिए फिर आप फरमाते हैं बकरे की आयात का तर्जुमा करते हुए पहली दूसरी और तीसरी फरमाया कि तकवा ऐसी अली दर्जे की ज़रूरी शय है तकवा ऐसी अली दर्जे की ज़रूरी शय करार दिया गया है कि कुरान करीम की लतग इसी को ठहराया है चुनाचे दूसरी सूरत को जब शुरू किया तो यूँ ही फ़रमाया कि अलफ़िला किताबो लार बफी है दलिल दलिलमुतम मेरा मसह यही है कि क़ुरान करीम की ये तरतीब बड़ा मरतबा रखती है खुदा ताला ने इसमें इलल अरबा का ज़िक्र फरमाया है इन चार सबाव और वजूहत कालत फ़ायली मादी सूरी और गाई हर एक चीज़ के साथ ये चार ही इलल होती हैं कुरान करीम नहाय अकमल तौर पर इसको दिखाता है अलिफ लाम मीम इसमें इस ये इशारा है कि अल्लाह ताला ने जो बात जो बहुत जानने वाला है इस कलाम को हज़रत रसूल रसूल सल्ला पर नादल किया है यानी खुदा इसका फ़ाइल है जालकल किताबो ये मादा बताया यानी कुरान करीम या ये कहो कि इल्लत मादी है यानी मादी हालत में जो हमारे उस किताब है वो एक किताब है जिस पर अमल करके इंसान अपने मकसूद को पा सकता है इल्लत सूरी लार बफी है हर एक शह में शिकबा और जुनून फासदा पैदा हो सकते हैं मगर कुरान शरीफ करीम ऐसी किताब है कि इसमें कोई रैब नहीं कोई शक नहीं ला रैब इसी के लिए है अब जबकि अल्लाह तब की शान ये बताई है कि लार बफ़ी है तो तबन हर एक सलीमालफरत और शहादतमंद की रू उछलेगी और ख्वाहिश करेगी कि उसकी हदायतों पर अमल करे हम अफसोस से कहते हैं कि, कि कुरान शरीफ़ के अजला और असफा शान को दुनिया के सामने पेश नहीं किया जाता वरना कुरान शरीफ की खूबियाँ और इसके कमालत इसका हुस्न अपने अंदर एक ऐसी कशिश और जज्ब रखता है कि हो होकर दिल उसकी तरफ चले आए मसला अगर एक खुशनुमा बाग की तारीफ की जाए और उसकी खुशबूदार उसके उसके खुशबूदार दरख्तों और दिल को तरोताज़ा करने वाली बूटियों और रबशों और मुसफ़ा वानी की बहती हुई नदियों और नहरों का तस्करा किया जावे तो हर एक शख्स दिल से चाहेगा कि उसकी सैर करे और उससे हाज़ उठाए और अगर ये भी बताया जावे कि उसमें बाज़ चश्मे ऐसे जारी हैं जो अमराज मज़मन और मोहलका को शफा देते हैं तो और भी ज़्यादा जोश और तलब के साथ लोग वहाँ जाएंगे इसी तरह पर कर्न शरीफ़ की खूबियों और कमालात को अगर नहायत खूबसूरत और मौसर लिफात बयान किया जाए तो रूह पूरे जोश के साथ उसकी तरफ़ दौड़ती है और हकीकत में रूह की तसली और शैरी का सामान और वो बात जिससे रूह की हकीीक़ी एहतियात पूरी होती है कुरान करीम ही है इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हदलमतिन मुतियों के लिए हदायत है और दूसरी जगह कहा ला यमस्सू ला या मस होमता हूँ कोई उसे नहीं छू सकता सवाए बाकी है वो लोगों के मुराद फरमाया कि मुराद वही इससे मुराद वही मुतकी हैं मतकीन हैं जो हदलमतिन में बयान हुए हैं इससे साफ़ तौर पर मालूम होता है कि कुरानी के इनकशाफ़ के लिए तकवा शर्त है लेकिन आजकल के नाम नहाद वलुँ जो तकबा से आ रही हैं इसकी तालीम को ऐसे रंग में पेश किया है कि मुखालफी ने इस्लाम को इस्ला इसकी तालीम पर मज़ीद एतराज़ करने का मौका मिल गया लेकिन आज ये हम आहमदी का काम है कि हम अपने अंदर तकवा पैदा करते हुए इस तालीम की ख़ूबियों को अपने कॉलोफेल से करके दिखाएं, अमल करके दिखाएं, दुनिया को बताएं कि क़ुरान करीम ही है जो हर किस्म की बीमारियों का इलाज है और इसको भेजने वाला वो खुदा है जिसने इसे मकसद बनाकर दुनिया की असलाह के लिए भेजा है अल्लाह ताला हमें तकवा पर चलते हुए इस पर अमल करने की की तो किता फरमाए बहुत गहरे मजामी हैं बहुत गौर से सुनने वाले हैं बहुत गौर से इस पर अमल करने की ज़रूरत है कुर क्रिएम को बड़े गौर से हमें पढ़ना चाहिए अब मैं दुआ की तारीख भी करना चाहता हूँ बांग्लादेश में आजकल जलसा सा हो रहा है आज ही पहला दिन था उनका लेकिन वहाँ मुखालफी ने हमला किया जलसा गाह पर भी हमला किया कई लोगों को वहाँ ज़ख्मी भी हुए हैं बाहर से मेरा ख्याल है कुछ इस तरह उन्होंने हमला किया है कि जो जख्मी हुए हैं बादशी जख्मी भी हैं फिर कुछ लोगों के वहाँ जो अहमदी थे उस इलाके में उनके घरों को भी जला रहे हैं अभी तक की आ रहे हैं जो खबर आई है उसके मुताबिक और कितना नुकसान हुआ अभी पूरा अंदाज़ा नहीं अल्लाह ताला आहमदियों को भी महफूज रखे इनके शर्त से और इनकी पकड़ के भी सामान करे तो इनके लिए कोई हदायत की दुआत नहीं हो सकती अल्लाह मस्ज़ हमकुल्ला मस्ज़िक तसीका वाली दुआई है जो इनको इनके लिए हमें मुँह से निकलती है दिल से निकलती है इसी तरह पाकिस्तान के हालात के लिए भी दुआ करें अल्लाह ताला वहाँ भी अहमदियों को हालात ठीक रखे बघीना फांसों में भी ख़तरा तो मंडला रहे हैं वहाँ के लिए दुआ करें इसी तरह जजायर में भी बाद आते हैं अहमदियों पे उनके लिए भी दुआ करें अल्लाह ताला हर जगह अहमदियों को महफूज रखे बंग्लादेश में जैसा कि मैंने कहा इंसामिया ने हमें यही कहा था कि वो फिक्र ना करो जलसा करो और हम पूरी हिफाजत करेंगे लेकिन जब भलवाई और दहशतगर्द शदत पसंद मुला अपने टोलों को लेके आए हैं तो पुलिस वड़ी तमाशाई बन के बैठी हुई है और कोई काम नहीं कर रही बहरहाल हमें अल्लाह ताला की तरफ़ झुकना चाहिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों की मुश्किलात को जल्द दूर फरमाए الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم